श्रीकाल। आज हम सनबर्न के बारे में जानेंगे। सनबर्न किसे कहते हैं? सनबर्न लेते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है और सनबर्न हमें कितना टाइम और किस समय लेना है और सनबर्न के हमारे जीवन में क्या फायदे हैं? अक्सर आपने लोगों को सर्दियों में धूप सेकते हुए देखा होगा। हमें सर्दियों में धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है, इसे हम सनबर्न कहते हैं। लेकिन सनबर्न लेते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। विंटर में आपको सनबर्न 20 से 30 मिनट तक लेना है। अगर बाहर हवा चल रही है तो आपको सनबर्न नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपको ठंड लग सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। समर में आपको सनबर्न 10 टू 15 मिनट तक लेना है और गर्मियों में सनबर्न का टाइम सुबह 7 से 9 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें तेज नहीं होती हैं। अगर सनबर्न लेते हुए आपको गर्मी लगे या पसीना आने लगे तो आपको वहां से हट जाना है और छाया में बैठना है थोड़ी देर के लिए। सनबर्न लेते हुए आपको अपने सिर को कॉटन के कपड़े से कवर करना है और आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं। हफ्ते में एक बार आप मस्टर्ड ऑयल से मसाज करके सनबर्न ले सकते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम सनबर्न के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सनबर्न लेने से आपका विटामिन डी इम्प्रूव होता है। सुबह के टाइम सनबर्न लेने से आपके जो विटामिन डी का स्तर है वो अच्छा होता है। आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होता है। अगर आपको गठिया का प्रॉब्लम है तो सनबर्न आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सनबर्न लेने से आपकी बोन्स और हड्डियाँ मजबूत और स्वस्थ होती हैं। ओल्ड पीपल के लिए भी सनबर्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ होंगी। आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी सनबर्न बहुत अच्छा है। अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सनबर्न ले सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर पीपल के लिए भी सनबर्न बहुत ही फायदेमंद है। सनबर्न लेने से आपका मानसिक स्तर भी कम होता है, आपके डिप्रेशन को ये रिड्यूस करता है। इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका विटामिन डी इम्प्रूव होता है। छोटे बच्चों को भी सनबर्न देना चाहिए थोड़े समय के लिए। इससे क्या होगा, उनकी बोन्स मजबूत होंगी। तो दोस्तों, सनबर्न लेने के हमारे जीवन में बहुत फायदे हैं, इसलिए आप अपनी डेली लाइफ में सनबर्न को ऐड करें। थैंक यू। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी, योगा, ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन, हेल्दी रेसिपीज, हिमाचली रेसिपीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सोना शिव योगा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी है सोना शिव योगा के नाम से, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सोना शिव योगा के नाम से है। थैंक यू। नमस्कार।